नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर का एक फॉर्मेट यहाँ पर डिज़ाइन करके रखा है। यहाँ पर मैंने मे मंथ को यूज़ किया है। इसके ऊपर मैं आपको पूरा अटेंडेंस रिपोर्ट बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, उसके बाद मैंने लिया है नेम, और अब यहाँ पे ऊपर की तरफ बाकी कॉलम्स में मैं यहाँ पे डेट्स को ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा 1, उसके बाद 2, फिर मैं इनको सिलेक्ट करके एकदम लास्ट तक ऑटो फिल कर दूँगा, मतलब कि 31 तक, जस्ट यहाँ पर लास्ट तक ड्रैग करके ऑटो फिल कर देंगे। यहाँ पर देखिए टोटल 31 डेज़ को हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। अभी नीचे यहाँ पे हम वीकडेज का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे संडे, क्योंकि मे मंथ जो है वो संडे से स्टार्ट हुआ था, मतलब कि फर्स्ट मे संडे है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा संडे। अभी बाकियों को फिल करने के लिए जस्ट यहाँ से एकदम एंड तक हम ड्रैग करके ऑटो फिल कर देंगे। तो दोस्तों, ये देखिए मेरा वीकडेज का नाम जो है वो सारा 31 डे तक आ चुका है। अब मैं यहाँ पर सारे जो संडे है इनको रेड कलर कर दूंगा, क्योंकि संडेज जो है वो हॉलीडे रहता है। तो इसके लिए सबसे पहला जो संडे है इसको मैं यहाँ पे पूरा कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से CTRL की, मतलब कि कंट्रोल की को प्रेस करके बाकी संडेज को भी सिलेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों, सिलेक्शन करने के बाद मैं चला जाऊँगा फॉन्ट टैब में। फॉन्ट टैब में जाने के बाद यहाँ से फील कलर में मैं रेड कलर को चूज कर दूंगा, और टेक्स्ट कलर में मैं चूज करूंगा फॉन्ट कलर में, यहाँ से मैं वाइट को चूज कर दूंगा। तो ये देखिए मेरा कलर अप्लाई करना हो गया है। अब मैं यहाँ पे टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट एंड टोटल हॉलीडेज का एक काउंट यहाँ पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहला जो ये जो सेल है, यहाँ पे मैं इन दोनों को मार्ज कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको मार्ज एंड सेंटर में जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ये सेल मार्ज हो जाएंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल प्रेजेंस। फिर मैं नेक्स्ट सेल में चला जाऊंगा, और यहाँ पे इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके मैं क्लिक करूंगा मार्जिन सेंटर में, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल एब्सेंस। नीचे के सेल में आने के लिए ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एब्सेंस। उसके बाद मैं नेक्स्ट सेल में चला जाऊंगा, और वहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल हॉलीडेज। इनको भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मार्ज सेंटर में क्लिक करूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा टोटल हॉलीडेज। तो ये हो गया मेरा पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे सारे संडेज के नीचे हॉलीडे, मतलब कि एज को ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं हॉलीडेज के लिए एज, प्रेजेंट के लिए पी, और एब्सेंट के लिए ए सिंबल को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं एज टाइप कर दूंगा, और बाकियों को ड्रैग करके ऑटो फिल कर दूंगा। सेम प्रोसेस फॉलो करके बाकियों में भी आपको फिल कर लेना है। तो ये हो गया मेरा सारे हॉलीडेज फिल करना। अब मैं यहाँ पे सारे अटेंडेंस को 1 by 1 ऐड कर लूँगा। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे एम्प्लॉयज़ के अटेंडेंस को यहाँ पे फिल कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको टोटल प्रेजेंट, एब्सेंट एंड हॉलीडेज को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं टोटल प्रेजेंट को कैलकुलेट करूँगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा इक्वल काउंट इफ़, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट रो का day 1 से day 31 तक सारे अटेंडेंस को सिलेक्ट कर देना है। तो एकदम शुरू से आपको एंड तक सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे कॉमा। फिर यहाँ पे देखिए टोटल प्रेजेंट के लिए मैंने यहाँ पे पी सिंबल को यूज़ किया है। इसको यहाँ पे आपको डबल कोटेशन में लिखना होगा। मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में पी लिखा है। जस्ट ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही टोटल प्रेजेंट का काउंट देखिए यहाँ पे निकल आया। बाकियों को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। तो ये देखिए ऑटोफिल हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे टोटल एब्सेंट को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल साइन। इक्वल साइन देने के बाद मैं लिखूंगा काउंट इफ। फिर मैं फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद सेम ही आपको यहाँ से शुरू से लास्ट तक एकदम सारे अटेंडेंस को सिलेक्ट कर देना है, मतलब कि day 1 से एकदम day 31 तक आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देना होगा एक कॉमा। फिर आपको यहाँ पे डबल कोटेशन में लिखना है ए, क्योंकि मैंने यहाँ पे टोटल एब्सेंट के लिए ए अल्फाबेट को यूज़ किया है। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ए। जस्ट कोटेशन को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर करेंगे।
एंटर करने के साथ ही टोटल एब्सेंट काउंट होकर यहाँ पे निकल आएगा। ये देखिए, बाकियों को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट आपको यहाँ से डबल क्लिक करके ऑटोफिल कर देना है। ये देखिए, बाकियों का भी एब्सेंस यहाँ पे निकल आया है। अब मैं यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करके टोटल हॉलीडेज को भी कैलकुलेट करूँगा। इसके लिए सेम ही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना होगा, इक्वल काउंट इफ, फिर फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर से मैं यहाँ पे डे वन से डे 31 तक सारे अटेंडेंस को सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पे फिर से आपको कॉमा देना होगा। कॉमा देने के बाद डबल कोटेशन में आपको लिखना है एच, क्योंकि मैंने यहाँ पे हॉलीडेज के लिए एच अल्फ़ाबेट को यूज़ किया है। फिर आपको यहाँ पे कोटेशन को क्लोज करना है, जस्ट ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर करेंगे, और एंटर करने के साथ ही आपका हॉलीडेज काउंट होकर यहाँ पे निकल आया है। बाकियों को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट यहाँ से डबल क्लिक करके ऑटो फिल कर देना है। अब मैं इनको थोड़ा सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद इनका अलाइनमेंट को थोड़ा सेंटर कर दूँगा, और यहाँ से सेंटर में क्लिक करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट में, तो ये देखिए ये सेंटर हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा पूरा स्टाफ अटेंडेंस रिपोर्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं इनको थोड़ा डेकोरेट करूँगा। इसके लिए मैं ऊपर की तरफ इनको थोड़ा सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद इनका फील कलर जो है वो अप्लाई कर दूँगा। इनको भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद सेम ही फील कलर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। फिर मैं यहाँ पे वीकडेज को सिलेक्ट करूँगा और इनमें भी फील कलर को अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों, ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज़ करके आप इजीली किसी भी स्टाफ या फिर स्टूडेंट का अटेंडेंस रजिस्टर बना सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ कीप योर सपोर्ट।